और मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार खास मुलाकात। कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं देवाता ग्राम पंचायत में। आज बात करेंगे सरपंच जनप्रतिनिधि से भरत सिंह चौहान जी से, और जानेंगे उन्होंने 4.5 साल में क्या क्या विकास कार्य किए हैं और किन किन विकास के मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। सरपंच इंदिरा देवी जी हैं। सर, आप प्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रतिनिधि, इन 4.5 सालों की बात करें तो आपने क्या क्या विकास कार्य करवाए? मेरी पंचायत में मैंने ज़्यादातर सड़कों का कार्य करवाया। मेरी पंचायत में जितने भी गांव थे उन गांवों में सड़कें बिल्कुल बनी हुई नहीं थी। मैंने सबसे ज़्यादा पहले काम तो इस गांवों में सड़कों का काम करवाया। सड़कें बनवाई आपका, सीसी बनाई इंटरलॉकिंग या ग्रेवल? सीसी और इंटरलॉकिंग दोनों बनवाई है। सर, मैं बात करना चाहूँगा पेयजल की, तो पेयजल की कोई किल्लत आती है और पेयजल की किल्लत के निवारण के लिए आपने क्या करवाया? पेयजल में हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। एक भू संरक्षण द्वारा एक ट्यूबवेल खुदवाया गया था, उसमें फिर मैंने कहीं से पनगट की एक मोटर लाया, उस मोटर को वहाँ लगा के 2 गांवों को पानी पिला रहा हूँ। नरेगा योजना की बात करूँ तो नरेगा योजना आपके ग्राम पंचायत में चल पा रही है और लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? बहुत ही ज़्यादा, पूरी ग्राम पंचायत समिति जवाजाम, सबसे ज़्यादा लेबर मेरी पंचायत में ही लगती है और सब एट ए टाइम। अभी वर्तमान में मेरी पंचायत में नरेगा चल रही है, कई जगह नरेगा नहीं चल रही है, मेरे यहाँ पंचायत में लेबर चल रही है। सर, ODF की बात करूँ, ग्राम पंचायत पूरा राजस्थान ODF हो चुका है, धरातल लेवल की बात करूँ तो धरातल पर कैसे है कंडीशन? धरातल पर मेरी ग्राम पंचायत की कहूँ, औरों की तो मैं कह नहीं सकता, मेरी ग्राम पंचायत की है कि मेरी ग्राम पंचायत संपूर्ण रूप से ODF है और हर घर में शौचालय आपको उपलब्ध मिलेगा, उसका यूज होता हुआ मिलेगा। सर, मैं ग्राम पंचायत में शिक्षा की बात करूं तो ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर पहले, मेरे से पहले कई लोग वंचित थे शिक्षा से। मैंने लोगों को स्कूलों में जाके रैलियां निकलवाई है, कोई बच्चा वंचित है शिक्षा से उसको मैंने शिक्षा से जोड़ा है, और वर्तमान में कोई ऐसा मेरे पंचायत में नहीं है कि वो नहीं पढ़ रहा है। सर, पटे योजना की बात करूं तो पंडित दीनदयाल योजना के तहत पटे वितरण किए गए? जी, पट्टे दिए गए लोगों, लोगों को जिन लोगों के फॉर्म आए थे उनको पट्टे दिए मैंने। सर, मैं आपके राजनीतिक करियर की बात करूं तो आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कहां से की? राजनीतिक करियर तो सर मेरा इसी सरपंच कार्यकाल से ही हुआ है, 2015 से चालू हुआ मेरा। पहले अपना कोई राजनीति का चस्का नहीं था, न मैं राजनीति में था। मैं मेरी एजुकेशन पूरी करने के बाद में पर्सनल मेरा कोई कार्य करता था। राजस्थान की बात करें, नशे की बात करें, नशे आज युवाओं में नशा घर कर गया है, तो लोगों को युवा वर्ग नशा कैसे छोड़ पाएगा, आपकी क्या राय है? इस नशे के लिए तो एक जागरूकता रैली निकाली जाए, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए, नशे के द्वारा जो बुराइयां हैं वो उनको बताई जाए तो कंट्रोल हो सकती है। हालांकि वर्तमान में तो पुलिस भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है। रात को मेरे यहाँ थाने के सामने या थाने के बाद जो भी पिया हुआ आता है उसको मशीन लगाते हैं और जो पिया हुआ तो उसको सीधा अंदर करते हैं। सर, जनता, ग्राम पंचायत की जनता जानना चाहती है आगे कौन सा चुनाव लड़ोगे? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा सर। आज हमने बात की भरत सिंह चौहान जी से, देखते रहे डीडी समाचार में, नरेश कुमार कैमरा पर्सन अजय शर्मा के साथ।